मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईद उल फितर के चांद के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब में शवाल का चांद नज़र आ गया है। इस खबर की मुकम्मल तफसील क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब में 2 अप्रैल को पहला रोज़ा रखा गया था और आज सऊदी अरब में 29 रोज़े हो चुके हैं। आज सऊदी अरब में से इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब में ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। सऊदी अरब में चांद की तस्दीक के लिए रोहते हलाल कमेटी का इजलास बैठ गया है। अगर सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया तो पाकिस्तान में भी 29 रोज़ों की ईद होगी, लेकिन फ़िलहाल ये खबर कंफर्म नहीं है कि सऊदी अरब में 29 रोज़ों की ईद होगी। सऊदी अरब में रोहते हलाल कमेटी का इजलास बैठ चुका है और कुछ ही देर में बड़ा फैसला सामने आने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरी जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।